थम गया है, ये शोर थमा है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। प्रदेश में दूसरे चरण में 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हो रहा है और इसमें टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 सीट शामिल हैं। तो ये 13 सीटें जिन पर चुनाव होना है परसों यानी 26 तारीख को ये चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले आज प्रचार प्रसार थम गया है। 6 बजते ही ये प्रचार प्रसार थमा है। अब इंतजार है तो बस इस बात का कि आखिर वोट, मतदान आखिर जनता किसे करती है, क्योंकि 26 तारीख यानी परसों का वक्त है और इस दिन जो वोटिंग परसेंट है पिछली बार से बढ़े, यही एक कोशिश, यही कवायद और यही उम्मीद की जा रही है और इसलिए लगातार कार्यकर्ताओं को भी जोश का मंत्र फूंका जा रहा है। टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये वो सब सीटें हैं जहां 26 तारीख को मतदान होना है, जिनमें से कुछ हॉट सीट हैं और कुछ कह सकते हैं आप बीजेपी का गढ़ है, तो वहीं कुछ ऐसी सीटें जहां पर चुनौतियां देखने को मिल रही है और उसी में बाड़मेर और जैसलमेर वो सीट जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी नजर आ रहा है। ये सभी सीटें जिन पर अब हर किसी की नजर है, लेकिन अब राजस्थान में प्रचार प्रसार का दौर खत्म हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार था वो सेकंड फेज के लिए भी खत्म हो गया है। अब इंतजार है तो सिर्फ मतदान के दिन का। और जितेंद्र हमारे साथ जोधपुर से लाइव जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र। आज किस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत आज भी मैदान में थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, पहले आज की अपडेट दें और उसके बाद आगे जो इसका सियासी समीकरण है उसको जानेंगे। जितेंद्र सुन पा रहे हैं आप? चलिए तो जितेंद्र का रुख करेंगे एक बार फिर से, लेकिन आपको बता दें जोधपुर अपने आप में एक हॉट सीट है। जी जितेंद्र, देखिए जोधपुर में प्रचार प्रसार अब थम चुका है। 6 बजते ही जो है दोनों पूरे प्रदेश में भी 13 सीटों पर जो 26 तारीख को मतदान होना है उसका प्रचार प्रसार थम चुका है। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत, जो कि भाजपा से गजेंद्र सिंह शेखावत जो चुनावी रण में है, तो वहीं कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा है, दोनों ने आज रोड शो किया। रोड शो करने के साथ ही जो है जैसे ही प्रचार थमा अपनी अपनी सभाओं के साथ समाप्त किया गया है। साथ ही बता दें कि ये बहुत रोचक मुकाबला इस बार जोधपुर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जो है अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा कि कौन क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जी 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 बिल्कुल, क्योंकि ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत को तो जरूर हमने देखा आज प्रचार प्रसार करते हुए। करण सिंह उचियाड़ा, क्या वो भी लगातार लगे हुए हैं? ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो जोधपुर के कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ की टीम है, वो जालौर सिरोही भी रही है, तो ऐसे में उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर कॉल किया नहीं मैं। ठीक है जितेंद्र, आपका एक बार फिर से मैं रुक करूंगी, थोड़ी टेक्निकल इश्यू है। लेकिन आपको बता दें जिस तरह से हम जोधपुर सीट का जिक्र कर रहे हैं, जोधपुर का हाल जान रहे हैं, जोधपुर अपने आप में एक हॉट सीट है। गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं, तो वहीं करण सिंह उचियाड़ा उनके सामने इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी बने हैं और इस बार वो भी लगातार चुनावी रण में उतरे हुए हैं, मैदान में उतरे हुए हैं और इसलिए चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से राजपूत नाराज हुए या जोधपुर में जो और तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं उम्मीदों में है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत उतने ही मजबूत कद्दावर नेता हैं,
अच्छी पैठ उनकी रही है। एक कांग्रेस बाहरी का मुद्दा भी, कामों का जिक्र भी कर रही है, उस मुद्दे को लेकर भी चल रही है और उसी के उम्मीदों के सहारे है। तो वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत, मोदी, उनकी योजनाएं, उन के सहारे हैं, साथ ही साथ जनता में कोशिश यही है कि जो केंद्र ने काम किए हैं उनको पहुंचाएं। वहीं ईआरसीपी का जिक्र भी बार बार हो रहा है। तो ये तो जोधपुर सीट है जिस पर बहुत सारे इसी तरह के समीकरण हैं और दोनों प्रत्याशी लगे हुए हैं। वहीं भीलवाड़ा भी अपने आप में एक बड़ी सीट है, हालांकि ये वो सीट है जहां से बीजेपी जीतती रही है या कहीं कि वो गढ़ रहा है। चित्तौड़गढ़ भी सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब एक बार फिर से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। उनके लिए एक चुनौती चंद्रभान आक्या माने जा रहे थे, जो निर्दलीय लड़े भी थे, लेकिन अब उनके साथ आने से थोड़ा फायदा या कहें पूरी तरीके से जो फायदा है बीजेपी को हो सकता है। अब जितेंद्र का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। जितेंद्र, करण सिंह उचियाड़ा के बारे में मैं आपसे जानकारी ले रही थी क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत प्रचार प्रसार कर रहे थे, आज कई तस्वीरें ऐसी दिखाई, उनको लेकर क्या क्या कोई चुनौती उनके सामने इस वक्त बनी हुई है करण सिंह उचियाड़ा के सामने? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से करण सिंह उचियाड़ा और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच एक अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल सकती है। आज जैसे ही प्रचार थमा उससे पहले दोनों ही प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा हो और भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों ने शहर में रोड शो किया। जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन्होंने तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, तो वही भाजपा के जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उन्होंने भीतरी शहर में रोड शो किया। अपनी दोनों ही प्रत्याशियों ने ताकत दिखाई। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसे जो है चुनती है, लेकिन कहीं ना कहीं जोधपुर में इस बार टक्कर दोनों के बीच देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, ये टक्कर हो सकती है। वहीं अगर समाज की बात करें, क्या सियासी समीकरण करते हैं, आपका रुख जितेंद्र एक बार फिर से करूंगी, लेकिन लाल सिंह हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। लाल सिंह, 13 सीटों पर ये चुनाव होना है, प्रचार का दौर थम गया है, डोर टू डोर जरूर कैंपेन हो सकता है, लेकिन इन सीटों में, 13 सीटों में अगर बात की जाए तो चुनौतियाँ बीजेपी के लिए कहाँ हैं, कांग्रेस के लिए कहाँ हैं? देखिए मेगा, 13 सीटों का चुनाव कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहा है। आप देखिए दोनों पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर हम 12 झालावाड़ सीट का जिक्र करेंगे तो वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह 5वीं बार ताल ठोक रहे हैं और अगर वो इस चुनाव को जीतते हैं तो वसुंधरा राजे की बराबरी करते हुए वो ऐसे सांसद बन जाएंगे जो लगातार 5 बार जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। खैर, वहाँ खुद वसुंधरा राजे लगातार लगी हुई हैं, लेकिन उस सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके पास ही ठीक जो सटी हुई सीट है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष हैं बिड़ला वहाँ से, और उनके सामने पहली बार 2014 और 2019 के बाद अगर इस चुनाव का जिक्र करें तो पहला ही ऐसा चुनाव लग रहा है जहाँ बिड़ला को कहीं ना कहीं कोई टक्कर देता हुआ नज़र आ रहा है, या मैं कह सकता हूँ कि उनको लग रहा है कि चुनाव हो रहा है। पहला गुंजल जो कि बीजेपी के थे, कांग्रेस का दामन थामा, वहाँ चुनाव को कांटे का मुकाबला बना रहे हैं। तो 12 झालावाड़ के बाद कोटा सीट है जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि पीएम के काफ़ी नज़दीकी हैं बिड़ला और साथ ही लोकसभा के स्पीकर भी हैं, और वहाँ पर लगातार जो जातीय समीकरण, नित नए बदलते समीकरण सामने आ रहे हैं। हालांकि उस सीट को लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ भितरघात जिस पार्टी में ज़्यादा होगी उसके बनस्पत सामने वालों को उसको जीत का फायदा मिल सकता है, क्योंकि धारीवाल कितना प्रहलाद गुंजल का साथ देंगे, कितना साथ नहीं देंगे, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि दोनों ही नेताओं के बारे में एक बात कॉमन कही जाती है मेघा, कि दोनों ही नेताओं ने पार्टी के अन्य नेताओं को बहुत ज़्यादा पनपने का मौका नहीं दिया। कांग्रेस में तो खासकर कहा जाता है कि धारीवाल ने कांग्रेस के एक लेयर को खड़ा होने ही नहीं दिया, तो ऐसे में वहाँ अंदर खाने नाराजगी है। और चूँकि प्रहलाद गुंजल और धारीवाल के बीच एक लगातार अदावत का दौर रहा है, और आपने देखा होगा, आपने भी मेगा देखा होगा, एक मंच पर खुलेआम भी दोनों के बीच किस तरह की बयानबाजी सामने आई, तो ऐसे में वहाँ भितरघात की एक बड़ी वजह सामने आ रही है और कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। लेकिन इस सीट पर भी निगाहें रहेंगे क्योंकि लोकसभा स्पीकर बिड़ला वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके बाद हम बात कर सकते हैं दूसरे पूर्व सीएम सिरोही जालौर से, जहां गहलोत के बेटे वैभव गहलोत मैदान में है, वहां भी काफ़ी चुनाव जो मुकाबला है कांटे का होने जा रहा है, क्योंकि पूरी ताकत वहां झोंक रखी है कांग्रेस ने, और गहलोत के लिए कहीं ना कहीं ये एक मौका होगा कि अपने बेटे को सियासत में वो लॉन्च कर सकें। उससे पहले प्रयास किया था, जोधपुर से उनको चुनाव लड़ाया था, लेकिन चुनाव में उनको गेंद्र सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में गहलोत चाहेंगे कि, क्योंकि अब उनका एक तरह से राजनीति का अवसान है,
उम्र भी हो गई है, तो चाहेंगे कि विरासत अपने बेटे को सौंप सकें और स्थापित उनको कर सकें। तो ऐसे में पूरी ताकत अशोक गहलोत झोंकेंगे अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए। लेकिन चूंकि वह मामला मोदी से जुड़ा हुआ है, तो मोदी की गारंटी बनाम ये गहलोत का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, तो आसान वन नहीं है। खैर, लेकिन सभी की निगाह उस सीट पर टिकी रहेंगी। इसके साथ ही दो जो मोदी सरकार के मंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, जिसमें सबसे अधिक जो रोचक मुकाबला होगा वो बाड़मेर जैसलमेर में होगा, जहाँ कैलाश चौधरी जो मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहाँ त्रिकोणीय जो मुकाबला बना रहा है, एक युवा आता है छात्र राजनीति से निकलकर और निर्दलीय चुनाव लड़ता है और विधायक बनता है, रविंद्र भाटी, इस पूरे मामले को कांटेदार बना रहे हैं, त्रिकोणीय बना रहे हैं। तो पूरी निगाहें मेगा उस सीट पर भी बनी रहेंगी। इसके साथ ही एक सीट का जिक्र करना है लाजमी, जिसकी लगातार आप बात कर रहे थे जितेंद्र से, क्योंकि वहां भी मोदी सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं। और पहली बार 2014-2019 की बात करें तो यहाँ राजपूत के सामने राजपूत को ही कांग्रेस ने उतार कर ट्विस्ट बना दिया है चुनाव में। यहाँ पर भी क्योंकि प्रतिष्ठा दांव पर है, और गजेंद्र सिंह शेखावत आपने देखा होगा राजस्थान की सियासत में जब कई बार ऐसे दौर आए थे कि सरकार गिर सकती है, बन सकती है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सीएम के लिहाज से भी सियासी गलियारों में प्रोजेक्ट किया गया था, हालांकि ऑफिशियल कभी उनके नाम की घोषणा नहीं हुई। तो वहाँ भी मेगा एक उसको लेकर भी कहीं ना कहीं निगाहें टिकी हुई है, हॉट सीट बनी हुई है। चलिए ठीक है, लाल सिंह रुक करेंगे एक बार फिर से आपका। बांसवाड़ा से हमारे साथ किशन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बांसवाड़ा भी अपने आप में एक बड़ी रोचक सीट है, और किशन आपसे किशनचंद जानना चाहेंगे, क्योंकि इस सीट पर इंडी गठबंधन कह लीजिए या जो बाप पार्टी है वो लगातार कांग्रेस के समर्थन के साथ में लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी लड़ रहे हैं, और उनके सामने महेंद्रजीत मालवीय हैं जो कांग्रेस से ही गए हैं। तो क्या ये मुकाबला बड़ा रोचक नजर आ रहा है? वहां का समीकरण, वहां की स्थिति क्या कह रही है? अगर इतिहास की राजनीति की अगर बात करते हैं तो देश के अंदर में पहली बार ऐसा होगा जहां पर कांग्रेस कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रही है, क्योंकि एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो पिछले 40 सालों से राजनीति के अंदर में सक्रिय है, वो काफी बार चुनाव जीते हैं। अगर चुनाव जीतने की अगर बात करें मेगा, तो चार बार वो विधायक बने, सांसद बने, प्रधान बने हैं, जिला प्रमुख बने, तमाम प्रकार के जो पद है वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने किया है। लेकिन पहली बार है जो कांग्रेस और बाप पार्टी का गठबंधन हुआ, ऐसे के अंदर में कांग्रेस के जो आला दिग्गज नेता है वो बाप पार्टी के समर्थन के अंदर में। लेकिन बांसवाड़ा की अगर बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर में जो कांग्रेस पार्टी के अरविंद डामोर है फिलहाल यहां पर मैदान अंदर में खड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने उपल स्तर पर कहे तो कांग्रेस के जो उच्च स्तरीय जो पदाधिकारी है उन्होंने बाप पार्टी से समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो यहां पर बाप पार्टी के लिए एक बड़ा घातक जब मामला आज एक बार फिर से सामने को देखने, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो विधायक है आज एक बार फिर से बाप पार्टी के साथ के अंदर में कहे तो खेला कर दिया, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था। और ऐसे के अंदर में डूंगरपुर के जो कुआ के अंदर में जो आज सभा थी बाप पार्टी की, कांग्रेस की गठबंधन की, वहां पर कुछ विधायक नहीं है। ऐसे के अंदर में जो राजस्थान के जो प्रभारी है उन्होंने साफ तौर पर उन विधायकों को चेतावनी भी दे दी है, कहा है कि जो पार्टी के मंच के ऊपर में नहीं है उसे बाहर निकाल दे। तो ऐसे के अंदर में कहीं ना कहीं बाप पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच के अंदर में कहे तो लगातार जो दरारें हैं वो लगातार पड़ती जा रही है। और राजस्थान बांसवाड़ा की अगर की राजनीति की अगर बात करें मेगा, तो कहीं ना कहीं बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो लोकसभा सीट है वो पुतेश्वर के अंदर में चर्चा के अंदर में, क्योंकि 13 दिन पहले जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस के हुआ करते थे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर और फिलहाल वही मैदान के अंदर में चुनाव लड़ रहे हैं। स्थिति बता रहे हैं उस स्थिति से तो ऐसा लगता है कि जो फायदा होना है वो महेंद्रजीत मालवीय को होगा, क्योंकि लोगों का कंफ्यूजन, दूसरी तरफ कांग्रेस में अपने आप में कंफ्यूजन और बाप पार्टी के साथ समर्थन है, फिर भी चीजें सेटल नहीं हो पा रही। बिल्कुल मेगा, आपने सही कहा है कि फिलहाल कांग्रेस के अंदर में असमंजस की स्थिति है। ये बात खुद बाप पार्टी के जो प्रत्याशी है राजकुमार रोत, ये भी एक कांग्रेस की कार्यालय के अंदर में उस टाइम में बैठक थी, उस टाइम उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, बाप पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। तो इससे साफ है कहीं ना कहीं कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच के अंदर में जो धरातल का जो समीकरण जो मिलना चाहिए वो यहां पर मिल नहीं पा रहा है। ऐसे के अंदर में बाप पार्टी के लिए कहीं ना कहीं इस बार चुनाव के अंदर में चुनौती होगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दौरा नहीं हुआ था उससे पहले चर्चा थी कि मामला मुकाबला होगा, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का बांसवाड़ा केंद्र में दौरा हुआ उसके बाद केंद्र में पूरा चुनावी समीकरण यहां पर बदल गया है और इसकी चर्चा है कहीं तो देश से और विदेशों के अंदर में भी है। जी मेगा, ठीक है जितेंद्र आपका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्योंकि देखिए जो पिछले चुनाव को आप देखेंगे कई लाख के वोटों का अंतर जो है नजर आया, लेकिन अब जो फर्स्ट फेज हुआ उसमें वोटिंग परसेंट कम रहा, तो पहला सवाल तो ये, क्या इस बार वोटिंग परसेंट
बढ़ाने की कोशिश की गई है जो पिछला फेज का वोटिंग परसेंट था उसको देखते हुए। दूसरी चीज़ ये क्योंकि पिछला जो चुनाव था उसमें कई लाख वोट के अंतर से जीत हुई थी, क्या उसी को बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी या उसमें हल्का फुल्का कुछ अंतर आ सकता है? देखिए, मैं अगर पहले सवाल का मैं जवाब दूं तो जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से पूरा प्रयास किया गया कि इस बार जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़े, क्योंकि उन्होंने हर जो है चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, चाहे रैलियों के माध्यम से हो, या फिर जो है बैनर पोस्टर के माध्यम से मतदाताओं को जो है लुभाने का जो जिला प्रशासन है वो प्रयास किया है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़े। लेकिन इस बार जो है राजस्थान की गर्मी जो है बहुत तेज है और इसको देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी चाहा है कि कैसे भी करके मतदाताओं को बाहर लाया जाए। दूसरे अगर मैं सवाल की जवाब दूं कि जिस तरीके पिछले जो चुनाव था उस चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत 2,74,000 मतों से जीते थे, इस बार वो अंतर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इस बार जोधपुर की सीट हॉट सीट है और कांटे की टक्कर भी मानी जा रही है। करण सिंह उछियाड़ा जो पूरे तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत को बांध के रखा है, क्योंकि एक बात और बता दूं कि गजेंद्र सिंह शेखावत स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम होने के बावजूद भी वो अपनी लोकसभा सीट छोड़ नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी जिस तरीके से आक्रामक जो उन्होंने प्रचार और अपने भाषण से जो जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत को बांधा था वो सफलता जो किया था वो सफल भी हुआ और कामयाब भी रहे, तो कहीं ना कहीं पूरी टक्कर जो है इस सीट पर देखी जा सकती है और भारत के लोगों की निगाहें जोधपुर सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है जोधपुर से आते हैं और उनके क्षेत्र से एक ऐसा प्रत्याशी जो लगातार पिछले 24-25 सालों से जो है कांग्रेस के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद टिकट लेकर आता है और एक केंद्रीय मंत्री के सामने टक्कर ले रहा है, तो कहीं ना कहीं निगाहें पूरे देश की भी टिकी हुई है। जी ठीक है, लाल सिंह आपका रुख करेंगे। लाल सिंह देखिए, क्योंकि इन सीटों का हॉट सीट बहुत सारी है और इस बार ऐसी सीटें भी हैं इस सेकेंड फेज में जहां पर मंत्री केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, बड़ी बड़े दिग्गज हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या इस बार जैसे कि अभी जितेंद्र कह रहे थे कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल था लेकिन फिर भी उसी अपने एरिया में रह गए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, चाहे आप अशोक गहलोत को देख लीजिए जो अपने बेटे के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वहीं पर लगातार एक्टिव हैं, चाहे फिर आप वसुंधरा राजे को देख लीजिए, चाहे फिर आप गजेंद्र सिंह शेखावत जिनका जिक्र अभी जितेंद्र कर रहे थे वो थे, तो क्या इस बार स्टार प्रचारक या जो यहाँ के नेता हैं वो अपने अपने एरिए तक ही सिमट गए? देखिए, जिन नामों का जिक्र आपने मेगा किया है वो निश्चित रूप से अपने क्षेत्रों में सिमटे रहे, क्योंकि मुझे याद नहीं आता शायद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक दो सभाओं में ही शिरकत की थी जो उनके बेटे के लोकसभा क्षेत्र से बाहर थी, सिरोही जालौर से, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आपको कहीं नज़र नहीं आई, वो पूरी तरह से बारा झालावाड़ में रही, हालांकि वो मजबूत सीट मानी जा रही है, लेकिन उनका प्रयास ये कि जीत है तो पूरी मेहनत के साथ की जाए और एक जो रिकॉर्ड की तरह वो बढ़ रहे हैं उसको हासिल किया जाए, और क्योंकि वो बखूबी इस बात को समझती भी हैं कि चुनाव किस तरह लड़ा जाता है, क्योंकि खुद वो 5 बार सांसद रही हैं, ऐसे में पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को वहाँ पर बांध दिया। ऐसे में वहीं गजेंद्र सिंह का जो जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि हाँ मैं कह रहा हूँ जैसे पहले मैंने मेगा कहा था आपको कि इस बार राजपूत के सामने राजपूत को खड़ा करने के बाद, और उससे पहले आपने कुछ तस्वीर भी देखी होंगी, बाबू सिंह राठौर जिस तरह गजेंद्र सिंह के खिलाफ आ गए थे मैदान में, लेकिन सीएम अजयलाल शर्मा ने उनको पास बुलाकर उनको आपस में समझौता करवाया, उसके बाद उनका समझौता हुआ था, तो ऐसे में कुछ नाराजगी भी थी। इन तमाम समीकरणों को देखते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोई रिस्क नहीं लिया और लगातार अपने क्षेत्र में वो बने रहे, तो इससे साफ साबित होता है कहीं ना कहीं मुकाबला है कांटे का है, यही वजह रही कि वो स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी बाहर नहीं गए। इसके बाद एक सीट का जो जिक्र भी कर रहे थे मेगा, उस पर भी निगाह क्योंकि जो बांसवाड़ा का जो मुकाबला है आदिवासियों का जो गढ़ है उस पर निगाह इसलिए है कि आप देखिए वह पूरा जो वहाँ देखने को मिल रहा है वो पहले बहुत कम राजनीति में देखने को मिलता है कि गठबंधन के बावजूद भी कांग्रेस का प्रत्याशी वह मैदान में खड़ा हो जाता है, जिस दिन नाम वापसी का समय आता है मेगा वो गायब हो जाते हैं और इसके बाद वो टिकट अपना वापस नहीं लेते हैं, तो वहाँ मुकाबला होता है और कांग्रेस को मजबूरी में जो अपना प्रदेश नेतृत्व है उसको कहना पड़ता है कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं देना है, चूँकि अब तकनीकी रूप से वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप उनका सिंबल छीन नहीं सकते, वो कांग्रेस के ही प्रत्याशी हैं अरविंद डामोर, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस को कहना पड़ रहा है कि इनको वोट नहीं डालना है, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए एक समीकरण की और यहाँ जिक्र कर लेते हैं मेघा कि मंच शेयर करते हैं हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत के साथ, देखिए आप मंच शेयर करते हुए आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन उनका बयान क्या आता है कि मैं
बाड़मेर जैसलमेर में प्रचार नहीं करूंगा क्योंकि मेरी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो कांग्रेस ने छीन लिया। आप देखिए कितनी अजीबो गरीबो सियासत का एक खेल है कि एक तरफ आप कांग्रेस के गठबंधन से, यानी कि आपका गठबंधन हुआ है, दोनों आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन के तहत हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े, लेकिन उसको लेकिन गुरेज कहाँ होती है उनको, बाड़मेर जैसलमेर में, क्योंकि उम्मीदवार आम थे जो उनकी उन्होंने उनको राजनीति में लाया, राजनीति में उनको लॉन्च करने वाले हनुमान बेनीवाल ही रहे उम्मीदवार आम को, लेकिन उम्मीदवार आम अब वहाँ पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस से और हरीश चौधरी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हरीश चौधरी भी ये कभी नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल का गठबंधन कांग्रेस से हो। तो ऐसे पूरी इस सियासी हम गणित में देखें तो कई नेता हैं, साथ भी हैं साथ नहीं भी हैं, गठबंधन है लेकिन गठबंधन नहीं भी है। जैसे कि हमारे सहयोगी अभी बांसवाड़ा से बता रहे थे कि किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है कि कांग्रेस और बाप के नेताओं को आपस में ही कहना पड़ रहा है कि आप अगर नहीं आए तो चेतावनी दी जा रही है। असमंजस की स्थिति हो गई है। भूपेंद्र हमारे साथ टोंक से जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, टोंक सवाई माधोपुर भी अपने आप में एक बड़ी हॉट सीट बन गई है और कारण ये कि वहां से किरोड़ी लाल मीणा भी आते हैं, उस टोंक से सचिन पायलट भी आते हैं, तो वहीं हरीश मीणा और सुखबीर जौनपुरिया उनके बीच में भी एक बड़ी जो कहे कि बयानों की अदावत देखने की मिली थी अभी हाल ही में, बड़े बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ हुई, वहां का समीकरण क्या कुछ कहता है? मैं क्या बताना चाहूंगा कि जो टोंक विधानसभा जो लोकसभा सीट है उसमें अब और सीट बनती जा रही है क्योंकि दो मंत्री हैं भाजपा के, उनकी साख दाव पे है और वही कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है सचिन पायलट उनकी भी साख दाव पे है। बताना चाहूंगा कि भाजपा की ओर से बड़ी जनसभाएं यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यहाँ पर रोड शो किया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बड़ी जनसभा को संबोधित किया, साथ ही आज शाम को जो दिया कुमारी है उप मुख्यमंत्री उन्होंने रोड शो किया। उसके बाद हम देखने चाहेंगे कि कांग्रेस की ओर से गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया मालपुरा में। उसके बाद आज सचिन पायलट ने लगातार तीन जगह दौरे करके एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो बड़े जो नेता है उनकी साख दाव पे है। और बयानबाजी की बात करें तो सुप्रीम जो भाजपा के नेता है उन्होंने जो बड़े आरोप लगाए कांग्रेस के जो हरीश मीणा पे, और हरीश मीणा ने भी जिस जौनपुरिया पे बड़े आरोप लगाए, उसके साथ ही अब दोनों सीट पे लगातार एक कड़ी मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी मेगा, ठीक है भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि 6 बज चुके हैं, प्रचार का दौर थम चुका है, शोर थम चुका है, अब इंतज़ार है तो बस 26 तारीख का, क्योंकि उस दिन वोट होगा और जैसा फर्स्ट फेज में वोटिंग परसेंट रहा है वैसा परसेंट तो कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा जनता निभाए।